बच्चों आप सभी का मेरे YouTube चैनल Easy Clear Exam की इंडियन पॉलिटी से संबंधित 10,000 प्रश्नों की इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज में स्वागत है। हम इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हल करते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा भी करते हैं, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आज के वीडियो में हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे तथा उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस पॉलिटी का जो टेस्ट सीरीज है उसके सभी वीडियो आसानी से प्राप्त हो सकें। तो आज का प्रश्न नंबर एक है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी संख्या है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च अपीली न्यायालय है और वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 निर्धारित की गई है, लेकिन वर्तमान में इसमें 33 न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश को मिलाते हुए। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्रता के पहले ही स्थापित हो चुका था और उसको ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित किया गया था और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1937 में की गई थी। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है, 1937। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई है। वर्तमान में भी भारत में संसद के द्वारा अधिनियम बनाकर सर्वोच्च न्यायालय का विनियमन किया जाता है और ब्रिटिश काल में भी संसद में नियम बनाकर ही एक अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके द्वारा 1937 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उस समय सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्यायालय के नाम से जानते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले 1937 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ उसके पश्चात 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संघीय न्यायालय के रूप में 1 अक्टूबर 1937 को स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ब्रिटिश काल में भारत सरकार अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था और यह एक संघीय न्यायालय है और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह संघीय न्यायालय का ही उत्तराधिकारी है, उसमें कोई परिवर्तन खास नहीं किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय का जो न्याय क्षेत्र है वह पूर्ववर्ती न्यायालय के न्याय से थोड़ा सा व्यापक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन का अधिकार किसको है। तो हमने पहले ही इस बारे में चर्चा किया है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो विनियमन है, संगठन संरचना शक्ति अधिकार इत्यादि के बारे में भारत का संसद इसमें नियम बनाता है। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की यदि संख्या में परिवर्तन करना है तो इसका अधिकार भारत की संसद को है और भारत की संसद लोकसभा तथा राज्यसभा में कानून पारित करके भारत के न्यायाधीशों की संख्या को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। किस अनुच्छेद से संसद को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन की शक्ति मिलती है। तो भारत के संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है और अभी तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम नहीं की गई है, बढ़ाई गई है। तो यह शक्ति भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 में संसद को दी गई है। अभी तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 124 अनुच्छेद के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। संसद दोनों सदनों में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी का विधेयक पारित करती है। यदि इस विधेयक को राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो यह अधिनियम बन जाता है और उसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 8 न्यायाधीश थे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 34 है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को अभी तक 7 बार बढ़ाया गया है और मूलतः जब संविधान अंगीकृत किया गया तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय में कुल 8 न्यायाधीश थे, जिसमें 7 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश था। 1956 में इस संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया गया। उसके पश्चात संसद के द्वारा ही 1960 में इस संख्या को 13 कर दिया गया। 1977 में बढ़ाकर 17 हो गई। 1986 में 25 और 2008 में 30। वर्तमान में अधिकतम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 है। भारतीय संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय का गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ इत्यादि का उल्लेख है। भारत के संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। उनमें से 5वें भाग में भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों के विनियमन की शक्ति किसके पास है, यानी को सर्वोच्च न्यायालय का जो विनियमन करता है उसके गठन संरचना यानी उसमें न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना या उसकी स्वतंत्रता को, शक्तियों के विनियमन इत्यादि के बारे में जो भी विनियमन होता है वह भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। भारत की संसद इसके लिए एक कानून पारित करती है यानी अधिनियम बनाती है। अगला
भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, उसकी स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां तथा न्याय प्रक्रिया इत्यादि का उल्लेख है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित तथा सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सभी अनुच्छेद 124 से 147 तक हैं। संसद भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको विनियमित करने का प्राधिकरण है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की न्यायपालिका की प्रकृति कैसी है? भारत की न्यायपालिका अमेरिका की न्यायपालिका से विभिन्न है। जैसे कि अमेरिका की न्यायपालिका में द्वैध व्यवस्था है, यानी राज्य के लिए अलग न्यायालय है और केंद्र के लिए अलग, लेकिन भारत में एकीकृत न्यायपालिका का सिस्टम अपनाया गया है। भारत की न्याय व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अमेरिका के संविधान में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है, यानी कि केंद्र के लिए अलग न्यायालय है और राज्य के लिए अलग न्यायालय, दोनों का अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। अमेरिका में संघीय कानून को संघ न्यायपालिका एवं राज्य कानून को राज्य न्यायपालिका के द्वारा लागू किया जाता है। वहीं पर देखा जाए तो भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसका मतलब यह है कि भारत की एकीकृत न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष स्थान पर है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, वहीं पर उच्च न्यायालय जो कि राज्यों के न्यायालय हैं उनके अधीन अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में जिला न्यायालय तथा दीवानी इत्यादि न्यायालय आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इस एकीकृत न्याय व्यवस्था में शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? संविधान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थिति के संबंध में एक अलग से अनुच्छेद का प्रावधान है और भारत का सर्वोच्च न्यायालय उस अनुच्छेद के अनुसार दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, वहां पर स्थित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसमें वर्तमान में कुल आधिकारिक तौर पर 34 न्यायाधीशों की संख्या है। उसमें से 33 अन्य न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और शपथ भी भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके जो उनकी नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह पर ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन किया गया था। इसने संघीय न्यायालय का यह उत्तराधिकारी है और जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे HG कानिया, हीरा लाल जे कानिया। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अपीली सुनवाई का सर्वोच्च न्यायालय अधिकार किसके पास है? तो वह संघीय न्यायालय या फिर प्रिवी काउंसिल या वायसराय या फिर भारत सचिव। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह संघीय न्यायालय था, लेकिन जो सर्वोच्च अपीलीय अधिकार था वह प्रिवी काउंसिल के पास था। स्वतंत्र भारत में वर्तमान में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय शक्ति किसके पास है? तो जो सर्वोच्च अपीलीय न्यायिक शक्ति है वर्तमान में वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और स्वतंत्रता से पूर्व, इस बात को भी याद रखिए कि यह सर्वोच्च अपीलीय न्याय शक्ति भारत में संघीय न्यायालय के पास नहीं थी, वह थी प्रिवी काउंसिल के पास। अगला प्रश्न है, वरिष्ठता के सिद्धांत को नज़रअंदाज करते हुए सर्वप्रथम किस न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? आमतौर पर यह प्रचलित है कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है वह सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश होना चाहिए, लेकिन A.N. राय 1973 में इनको वरिष्ठता के सिद्धांत से अलग भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 1950 से 1973 तक व्यवहार में यही था कि उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था, लेकिन इस व्यवस्था को 1973 में बदल दिया गया जब A.N. राय को 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से ऊपर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। दूसरी बार 1977 में MV बेग को वरिष्ठतम सिद्धांत को दरकिनार करते हुए मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात दो ऐसे मौके आए जिसमें इस वरिष्ठता के सिद्धांत को दरकिनार किया गया। वर्तमान में यह व्यवस्था है कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए और वर्तमान में यही प्रक्रिया फॉलो की जाती है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसी को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। और भारत में 1973 और 1977 में इन दो वरिष्ठता सिद्धांत को फॉलो नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की न्यायपालिका के संबंध में कौन सा
तथ्य सही है। भारत की न्यायपालिका संसद के अधीन नहीं है, ना तो प्रधानमंत्री के अधीन है, ना ही राष्ट्रपति के अधीन है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन न्यायपालिका राष्ट्रपति के अधीन नहीं है। भारत की न्यायपालिका, कई बार आपने सुना होगा कि भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वह एकीकृत न्यायिक व्यवस्था में सबसे शीर्ष स्थान पर है, तो वह भारत के अपने अधीनस्थ न्यायालय को निरीक्षण कर सकता है। और उसके अधीनस्थ न्यायालय कौन होंगे? राज्यों के उच्च न्यायालय तथा जिला अधीनस्थ न्यायालय, इनका वह निरीक्षण कर सकता है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत की किस मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था? भारत में एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला, जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। तो भारत में ये व्यवस्था है कि राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। यदि मान लीजिए किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। और एम हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे और यह 20 जुलाई से 24 अगस्त तक बने थे। इसके अलावा वह भारत के उपराष्ट्रपति भी बने थे। अगला प्रश्न है, किस संस्था को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है? पहले तो यह जान लेना जरूरी है कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है। मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय ने किसी केस पर कोई भी निर्णय दिया है तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने इस न्याय के खिलाफ जा करके उसको पुनर्विलोकन यानी उसकी पुनः जांच करने का अधिकार है, और यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी पहली महिला न्यायाधीश है एम फातिमा बीबी। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? तो भारत में संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी भारत का उच्चतम न्यायालय है। और संविधान के अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है, इस अधिकार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षण करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के आसन का उल्लेख है? भारत के संविधान में हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थापित है, और इसका स्पष्ट उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 में किया गया है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है संविधान के अनुसार दिल्ली को उसका स्थान घोषित किया गया है। अनुच्छेद 130 मुख्य न्यायाधीश को अन्य किसी स्थान अथवा एक से अधिक स्थानों को भी सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। तो यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थान है उसको नियुक्ति का अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश को है, लेकिन यह कार्य वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबे समय तक कौन आसीन रहा? तो भारत में सबसे ज़्यादा समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल YV चंद्रचूड़ का था। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत में सबसे ज़्यादा समय तक वह मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो वह हैं कमल नारायण सिंह। इनका कार्यकाल सिर्फ 14 दिनों का था। तो बच्चों, आप सभी को यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस टेस्ट सीरीज का जो आने वाला वीडियो है वह नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त